इसके बाद में केकुले नाम का साइंटिस्ट आया था, केकुले, जिसको केकुले थ्योरीज बोलते हैं, केकुले थ्योरी। केकुले थ्योरी जो है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इस कार्बन के बारे में बहुत कुछ बताया था 1858 ईस्वी में। 1858 की बात है, केकुले नाम की का जो साइंटिस्ट है उसने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है केकुले थ्योरी। इन्होंने इसमें खास खास बातें क्या क्या बताई थी, इन्होंने खास खास बातें बताई थी कि कार्बन की पोजीशन क्या है, कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ग्राउंड स्टेट में क्या है, एक्साइटेड स्टेट में क्या है, ये बातें तो हो गई। इसके बाद में उन्होंने बताया कि कार्बन जो होता है वो अदर कंपाउंड्स के साथ में कैसे अटैच हो सकता है। अपन देखा कि कार्बन की वैलेंसी चार है, कार्बन अन्य कंपाउंड्स के साथ में और भी अन्य नए नए कंपाउंड्स बनाता है, तो कार्बन जो होता है वो अन्य कंपाउंड्स के साथ कौन कौन से बॉन्ड से जुड़ सकता है वो बताया था केकुले ने। इसको बोलते हैं केकुलेज थ्योरी, ठीक है। तो केकुले जो थ्योरी है उस केकुले थ्योरी के अंतर्गत क्या होता है, नंबर वन मतलब कार्बन जो है वो अन्य कंपाउंड के साथ कौन से बॉन्ड से अटैच है। तो सबसे पहला पॉइंट, कार्बन जो है वो अदर कंपाउंड के साथ में सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो सकता है, मतलब हो गया कार्बन इज अटैच्ड टू अदर कंपाउंड्स विद सिंगल बॉन्ड, ठीक है, बोथ साइड सिंगल बॉन्ड, मतलब इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रकार से हो गया, कार्बन इज अटैच्ड टू अदर कंपाउंड्स विद सिंगल बॉन्डेड, तो ये सिंगल बॉन्डेड है। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट इनका हुआ, जिसके अंतर्गत जैसे आप एग्जांपल देखते हैं इसके, कार्बन जो होता है वो अन्य कंपाउंड के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, मतलब जैसे कि हो गया आप CH4 मेथेन, ये मेथेन है CH4, ये हो गया मेथेन, ठीक है। तो एक कार्बन अन्य के साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से CCl4, ये आ गया CCl4, CCl4 कार्बन इज अटैच टू अदर कंपाउंड्स विथ सिंगल बॉन्ड, CCl4 देख लीजिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एटसेट्रा। तो पहली बात है कि कार्बन जो होता है वो अन्य कंपाउंड के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है। नंबर दूसरा पॉइंट जो होता है वो है कि कार्बन जो होता है वो अदर कंपाउंड के साथ में दो तरफ सिंगल बॉन्ड से और एक तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है। कार्बन इज अटैच टू अदर कंपाउंड विद वन साइड डबल बॉन्ड एंड अदर टू साइड सिंगल बॉन्डेड, तो अदर जो साइड है उसमें तो हो गया सिंगल बॉन्डेड और वन साइड हो गया डबल बॉन्डेड। तो इसका एग्जांपल जो है वो हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल आ गया अपने पास HCH डबल बॉन्ड O, जैसे कि ये आ गया जिसको अपन फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, इसमें कार्बन एक साइड डबल बॉन्ड से दो तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप इसमें ले सकते हो HCH डबल बॉन्ड CH2 एथीन बोल सकते हैं, एथीन में कार्बन एक साइड डबल बॉन्ड से दो तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार इसके और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, आप चाहे उतने बना सकते हो, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको एसीटोन कहा जाता है। एक कार्बन है वो अदर के साथ, देखिए यहाँ पर यहाँ तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दो तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आ सकता है, कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड से दो तरफ सिंगल बॉन्ड से, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में है कि एक कार्बन जो होता है कार्बन वो बोथ साइड से डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है। कार्बन इज अटैच्ड टू अदर कंपाउंड्स विद बोथ साइड डबल बॉन्डेड, दोनों साइड से डबल बॉन्ड से यदि जुड़ जाए, तो कार्बन की वैलेंसी सब में चार चार दिखाई दे रही है, 4 है इसमें भी, 4 है इसमें भी, 4 है। तो इसके अंतर्गत आप एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया अपने पास सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा आप ये ले सकते हैं सी डबल बॉन्ड इधर के साइड में आ गया CH2, इधर के साइड में आ गया CH2, ठीक है। तो ये भी एक कंपाउंड हो सकता है जिसके अंतर्गत कार्बन दोनों साइड से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें एक कार्बन है वो दोनों साइड से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये होगी एग्जांपल नंबर 3। इसके बाद में नंबर 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में क्या जाएगी कि कार्बन जो होता है वो एक साइड से सिंगल बॉन्ड से और दूसरी साइड से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, वैलेंसी 4 है। कार्बन इज अटैच्ड टू अदर कंपाउंड विद वन साइड सिंगल बॉन्ड एंड अदर साइड ट्रिपल बॉन्ड, एक साइड से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी कंपाउंड यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे कि ये हो गया HC ट्रिपल बॉन्ड CH,
एक कार्बन अन्य कंपाउंड्स के साथ में, एक साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और अदर साइड जो है उसके अंदर जुड़ा हुआ है ये ट्रिपल बॉन्ड से, तो ये एक कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इस प्रकार के आप कंपाउंड ले सकते हैं जिसमें एक कार्बन है वो अन्य कंपाउंड के साथ में एक साइड में सिंगल बॉन्ड से, एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो अभी आपने क्या सीखा, केकुलिस थ्योरी, जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि कार्बन जो होता है उसकी पोजीशन 6 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है, जिसकी ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में ये 4 वैलेंसी शो करता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि कार्बन जो होता है वो अन्य कंपाउंड के साथ में कैसे जुड़ सकता है, वैलेंसी 4 है तो 4 वैलेंसी है वो कैसे कैसे इसके अंतर्गत आ सकती है। तो इसमें पहले बताया कि कार्बन इज अटैच्ड टू अदर कंपाउंड विद बोथ साइड सिंगल बॉन्डेड, इधर सिंगल इधर सिंगल इधर सिंगल इधर सिंगल, तो इसके एग्जाम्पल ये हो गई। नंबर 2 पॉइंट है, कार्बन इज अटैच्ड टू अदर कंपाउंड विद वन साइड डबल बॉन्डेड एंड अदर 2 साइड सिंगल बॉन्डेड, इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि कार्बन इज अटैच्ड टू अदर कंपाउंड विद बोथ साइड डबल बॉन्डेड, जिसका एग्जांपल आपके सामने है। और 4 पॉइंट इन्होंने बताया कि कार्बन इज अटैच्ड टू अदर कंपाउंड विद वन साइड सिंगल बॉन्ड एंड अदर साइड ट्रिपल बॉन्ड, जिसका एग्जांपल आपके सामने है। इसके अलावा बॉन्डिंग नहीं होती, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तीन ही बॉन्डिंग होती है, तो इस प्रकार से इन्होंने बताया। तो ये होती है यहाँ पर केकुले की थ्योरी, जो कि सक्सेसफुल रही और अभी तक आप देख रहे हैं कि केकुले की थ्योरी सक्सेसफुल है और जितने भी एग्जांपल आप देखते हैं, जितने भी कंपाउंड है वो सारे के सारे केकुले थ्योरी के अंतर्गत ही लिए जाते हैं।